हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बची हुई मूंग दाल की रेसिपी। बहुत ही अच्छी बनती है, हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये जो बची हुई मूंग दाल थी ना, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया और उसे एक दो ना बॉयल दिलवा दिए और ये हल्की सी पतली कर ली है। तो यहाँ पर मैंने इसमें ऐड कर दिया है थोड़ा सा जो भुना हुआ जीरा का पाउडर होता है वो, और यहाँ पर थोड़े से ऐड कर देंगे उबले हुए आलू बारीक बारीक काटना है, और इसके साथ ही इसमें बारीक कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे, बारीक कटा हुआ खीरा भी ऐड कर देंगे और बारीक कटा हुआ प्याज भी ऐड कर देंगे। तो आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो आप वही ऐड कर लीजिए। और इसके साथ ही मैं इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। दाल में नमक ऑलरेडी होता है तो नमक मैं ऊपर से नहीं इसमें ऐड कर रही। और अब इसमें ये जो नमकीन होती है, कोई भी आपके पास किसी भी तरह का आपके पास घर पे नमकीन पड़ा हो वो वाला इसके ऊपर डाल दीजिए। और यहाँ पर ये धनिया और पुदीने की चटनी है तो उसे भी इसके ऊपर डाल देती हूँ, और थोड़ा सा इसके ऊपर मक्खन रख रही हूँ। और अगर आप इसे डाइट के लिए बनाना चाहें तो भी हेल्दी है, क्योंकि एकदम हेल्दी ये स्नैक बना है। अगर आप बटर ना भी डालना चाहें तो उसके बिना भी खा सकते हैं। और थोड़ा सा इस पे नींबू डाल देंगे और इसे मिक्स करके खाएंगे। ये दाल बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बनती है, ये बची हुई दाल भी सब मांग मांग के आपसे खाएंगे। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। थोड़ा सा ये मैं टमाटर डालकर इसको गार्निश कर रही हूँ। तो बची हुई दाल का ये स्नैक्स आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।